हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्लेसी। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी मिनीचर सीट के बारे में बताने वाला हूं। यदि आपकी हॉबी मिनीचर सीट कलर करना है तो आप इस मिनीचर सीट को जरूर कलर करें या फिर अपने फेवरेट कलेक्शन में इस मिनीचर सीट को जरूर ऐड करें, क्योंकि मिनीचर सीट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनीचर सीट होने वाला है। तो फ्रेंड, हम बात कर लेते हैं मिनीचर सीट के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मिनीचर सीट को 14 अक्टूबर 2007 को रिलीज किया गया था, जिसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 CISM मिलिट्री वर्ल्ड गेम हैदराबाद एंड मुंबई मिनीचर सीट रखा गया था। तो फिर हम बात कर लेते हैं मिनीचर सीट को क्यों रिलीज किया गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द 4th CISM मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स वेयर हेल्ड इन हैदराबाद, सिकंदराबाद एंड आंध्र प्रदेश इन इंडिया। तो फ्रेंड, जो 4th CISM मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स जो हुआ था वो हैदराबाद, सिकंदराबाद एंड आंध्र प्रदेश में इसका हेल्ड किया गया था। तो फिर हम आगे जान लेते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बम्परिंग एट द वेन्यू ऑफ द गेम्स इन 2007 राइजिंग डाउट्स अबाउट द गेम्स वेदर द गेम्स विल बी प्लेड और नॉट। तो फ्रेंड, जो 4th CISM मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स हो रहा था उस साइड पे बम्बिंग्स होने के कारण ये डाउट हो गया कि ये गेम्स आगे ये हेल्ड होगा या नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गेम्स सेड दैट गेम्स वुड बी हेल्ड। लेकिन जो उस खेल के ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये कहा कि ये गेम्स का जो गेम्स है वो आगे हेल्ड होने वाला है। ऑन दिस ओकेजन इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट ने 3 मिनीचर सीट का एक सेट जारी किया था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मिनीचर सीट को वहाँ पे रिलीज किया गया था इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। तो फ्रेंड, हम जान लेते हैं इस मिनीचर सीट का एट्रीब्यूट के बारे में। तो हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और बात कर लेते हैं इस मिनीचर सीट का एट्रीब्यूट क्या है। तो फ्रेंड, हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में और बात कर लेते हैं मिनीचर सीट का एट्रीब्यूट के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मिनीचर सीट का जो कंट्री ओरिजिन है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि वो इंडिया है। सेट टाइप है वो मिनीचर सीट है। रिलीज ईयर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 14 अक्टूबर 2007 है। जियोग्राफी जो रिप्रेजेंट है वो सिंगल कंट्री है। स्टाम्प कंडीशन है वो नई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड, हम बात कर लेते हैं इस मिनीचर सीट को जब रिलीज किया गया था तो इस मिनीचर सीट का जो प्राइस था वो क्या था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मिनीचर सीट को जब रिलीज किया गया था तो इस मिनीचर सीट का जो प्राइस था वो 5 रुपीज़ था, और इस मिनीचर सीट का भी जो प्राइस था वो भी 5 रुपीज़ था, और इसका भी जो प्राइस था वो भी 5 रुपीज़ था। तो फ्रेंड, हम आपको यहाँ पर बता दें कि आप देख सकते हैं कि 5 एड 5 एड 5 इक्वल टू 15 रुपीज़। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि इस मिनीचर सीट को जब रिलीज किया गया था उस टाइम इस मिनीचर सीट का जो प्राइस था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 रुपीज़ था। लेकिन इस मिनीचर सीट का जो करंट प्राइस है वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो आप अगर इस मिनीचर सीट को आप अभी कलेक्ट करते हैं तो आपको आफ्टर फ्यू ईयर्स में आप इस मिनीचर सीट से प्रॉफिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हम बात कर लेते हैं इस मिनीचर सीट को आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम सबसे पहले आपको अपनी गूगल ओपन करनी है। गूगल ओपन करने के बाद आपको वहाँ पे flesi.com सर्च कर लेना है। तो फ्रेंड, हम आ गए हैं, अब गूगल ओपन कर लिया है। गूगल ओपन करने के बाद आपको वहाँ पे flesi.com सर्च कर लेना है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप यहाँ पे flesi.com सर्च कीजिएगा उसके बाद आपको एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वेबसाइट ओपन हो गई है। तो फ्रेंड, इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टाम्प मिनीचर सीट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे मिनीचर सीट स्टाम्प यहाँ पे आप कलेक्ट कर सकते हैं इस वेबसाइट से। तो फ्रेंड, हम आपको बता दें कि आप जो भी यहाँ पे मिनीचर सीट स्टाम्प कलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे अपना ये सर्च बॉक्स में यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं जो आपको जिस मिनीचर सीट के बारे में बता रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा जो भी आप मिनीचर सीट स्टाम्प कलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे, जैसे मैं अभी आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे ही आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा ये मिनीचर सीट आपको यहाँ पे शो करने लग जाएगा। शो करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर लेनी है। जैसे ही आप ये इस पर क्लिक कीजिएगा ये मिनीचर सीट आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मिनीचर सीट का जो करंट प्राइस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मिनीचर सीट का जो करंट प्राइस है वो 560 रुपीज़ हो गई है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस मिनीचर सीट का जो जब रिलीज की गई थी उस टाइम इस मिनीचर सीट का जो प्राइस था वो 15 रुपीज़ था, लेकिन जो करंट प्राइस है इस मिनीचर सीट का वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 560 रुपीज़ हो गई है। तो फ्रेंड, आप इस मिनीचर सीट को अभी कलेक्ट करते हैं तो आपको आफ्टर फ्यू ईयर्स में प्रॉफिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस मिनीचर सीट को आप जरूर कलेक्ट करें, क्योंकि ये मिनीचर सीट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनीचर सीट होने वाला है। तो फ्रेंड, हम बात कर लेते हैं, आप देख सकते हैं इस मिनीचर सीट का जो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है जो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। तो आप इस मिनीचर सीट को आप कलर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आप नीचे देख जाएगा ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर लेनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक कीजिएगा आपको एक नया स्लाइड ओपन होगा। स्लाइड ओपन होने के बाद आपको वहाँ पे आप यहाँ पे क्वांटिटी चूज करने के लिए दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्वांटिटी चूज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप जो भी यहाँ पे क्वांटिटी चूज करना चाहते हैं, एक या दो आप यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप क्वांटिटी चूज करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप जैसे प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको वहाँ पे एक नया
स्लाइड ओपन होएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बिलिंग डिटेल्स फिल करने के लिए दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे आप बिलिंग डिटेल्स फिल कर लें। आपका जो भी बिलिंग डिटेल्स है वो आप यहाँ पे फिल कर लें। फ्रेंड आप जो भी आपका बिलिंग डिटेल्स है वो आप यहाँ पे सही सही यहाँ पे फिल कीजिए, क्योंकि आपको अगर सही से आप फिल करते हैं तभी हमारे जो कंपनी है वो आपको इस मिनीचर सीट को आपके घर तक डिलीवर कर पाएगी। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिलिंग डिटेल्स में आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, टाउन, सिटी, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करने के लिए दिया हुआ है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेपल पे क्लिक करनी है। आप जैसे ही प्रोसीड टू पेपल पे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपका कि ये ऑर्डर लिस्ट आपका ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया हुआ है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पेपल है, क्रेडिट कार्ड है। आप जिससे भी इस मिनीचर सीट को बाई करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप अगर क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कार्ड नेम, एक्सपायर डेट, कार्ड कोड यहाँ पे फिल करने के लिए दिया हुआ है जो आप यहाँ पे फिल कर लें। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कीजिएगा ये मिनीचर सीट आपका बाई हो जाएगा और ये मिनीचर सीट आपके घर तक हमारी जो कंपनी है आपको ये मिनीचर सीट को डिलीवर कर पाएगी। तो फ्रेंड अगर ये मिनीचर सीट आप कलर करना चाहते हैं तो आप इस मिनीचर सीट को जरूर कलर करें, क्योंकि ये मिनीचर सीट आप देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट मिनीचर सीट है। तो फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।